कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलग्राडू स्टूडियोज। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर इन दिनों रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों ही फिल्में 11 अगस्त के मौके पर रक्षाबंधन वाले दिन रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में बहुत से लोग लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन को भी बायकॉट करने की मांग की जा रही है। हर किसी की नजरें दोनों ही फिल्मों पर टिकी है। हालांकि ये तो जब फिल्में रिलीज होंगी तभी पता चलेगा कि ये फिल्में हिट हैं या फिर फ्लॉप। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार और आमिर खान बड़े पर्दे पर एक साथ टकराने आए हैं। इससे पहले भी दोनों कई बार बड़े पर्दे पर भिड़ चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिनेमा घर में कब और कितनी बार अक्षय कुमार और आमिर खान टकरा चुके हैं। नंबर वन, सुहाग और अंदाज अपना अपना। अक्षय कुमार और आमिर खान के बीच पहली बार भिड़ंत हुई थी 1994 में। इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्म सुहाग और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना के बीच क्लैश हुआ था। हालांकि आमिर खान की फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई थी और अक्षय कुमार की सुहाग रेस से आगे निकल गई। नंबर टू, मैदान जंग वर्सेस बाजी। आमिर और अक्षय दोनों को इस इंडस्ट्री में आए हुए कुछ वक्त हो गया था। आमिर खान ने कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में कदम रखा था, तो वही अक्षय कुमार ने सौगंध से बॉलीवुड में डेब्यू किया। दूसरी बार दोनों 1995 में सिनेमा घरों में टकराए थे। इस दौरान उल्टा हुआ, इस बार अक्षय कुमार पर आमिर खान भारी पड़े थे। नंबर थ्री, दोनों की तीसरी भिड़ंत हुई थी साल 2011 में। इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम सिनेमा घरों में आई थी, तो वहीं आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में नजर आए थे। इस दौरान आमिर खान की फिल्म को खूब पसंद किया गया, लेकिन इस बार भी अक्षय कुमार ने बाजी मार ली। मतलब जहां तारे जमीन को बॉक्स ऑफिस पर उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वेलकम ने झंडे गाड़े और बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपर डुपर हिट रही। वहीं एक बार फिर से दोनों 11 अगस्त को सिनेमा घरों में आ रहे हैं। अब देखना यह हुआ कि कौन बाजी मारता है। वैसे तो पुराने तीन बार में देखा जाए तो अक्षय कुमार की जीत होती हुई दिखी, लेकिन इस बार काफी टक्कर का मुकाबला है। बॉक्स ऑफिस पर बहुत से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कौन हिट होगी कौन फ्लॉप किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे में इन दोनों फिल्मों का हश्र क्या होता है? क्या दोनों बराबर की होंगी या फिर आगे पीछे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडू स्टूडियोज़।